हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे होंगे। और दिल से स्वागत है आप सबका आपके खुद के यूट्यूब चैनल छवि अश्विनी कुमार में। और मैं हूं आपकी प्यारी दुलारी न्यारी सी छवि। फर्स्ट टाइम मुझसे जुड़े हैं, फर्स्ट टाइम मेरे यूट्यूब वीडियो को देख रहे हैं, रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसे सब्सक्राइब कर दे। बाजू में एक बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कर दे। उससे ये होगा कि जब कभी भी मैं कोई भी अपना वीडियो अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। जब भी बेल आइकॉन को क्लिक करें तो ऑल के ऊपर क्लिक करें। भैया इस चैनल के ऊपर शॉर्ट्स डाल रही हूँ आप सबके लिए, कुछ हेयर टिप्स, कुछ हेयर मास्क, तो वो मिस ना करें। तो इसके लिए तो ऑल के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा ना। वैसे टाइटल और थंबनेल देख के आपको समझ में आ गया कि आज मैं कौन से प्रोडक्ट का रिव्यू कर रही हूँ। वैसे दोस्तों आपको पता है कि आज मैं कौन से प्रोडक्ट का रिव्यू कर रही हूँ। यस, आज मैं जिस प्रोडक्ट का रिव्यू कर रही हूँ वो है ममा अर्थ का ऑनियन हेयर सीरम विथ ऑनियन एंड बायोटिन। रूखे बेजान झाड़ू से अगर आपके बाल है, चाहते हो कि भैया आपके बाल एकदम शाइनी हो, एकदम से खूबसूरत दिखे, तो आज का वीडियो देखना पड़ेगा ना। ममा अर्थ है, ममा अर्थ के जो भी प्रोडक्ट होते हैं वो नेचुरल होते हैं। इसके अंदर कुछ भी केमिकल नहीं होता है, इसके अंदर कुछ भी ऐसा मिला जुला नहीं होता है जो कि आपके हेयर को खराबी करे, ठीक है ना। और जहां तक इसके प्राइस की बात है, इसका प्राइस है 299,299 रुपए। आ जाते हैं कि भाई मैं इसको कब से इस्तेमाल कर रही हूँ और मुझे इस्तेमाल करने के बाद क्या लगा। इसके पहले मैं एक टॉपिक के ऊपर बता देती हूँ कि इसके अंदर देखिए इंग्रेडिएंट तो बहुत सारे हैं, बट मेन की इंग्रेडिएंट है ऑनियन। ऑनियन आप सबको पता है कि हमारे हेयर के लिए वरदान होता है। ऑनियन एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि भैया बंजर जमीन पे भी जो है ना वो जान ला देता है, यानी बंजर जमीन पे भी पेड़ जो है ना वो उगा देता है। तो ऑनियन बहुत बहुत पावरफुल इंग्रेडिएंट है। कहते हैं कि इसको मैं कब से इस्तेमाल कर रही हूँ। अंशु मेरा बेटा आया था 7 जैन को अंशु आया था, मैं उसके लिए ये हेयर सीरम परचेस की थी, क्योंकि शैम्पू करता है, कंडीशनर करता है, उसके बाद ये हेयर सीरम लगाएगा तो बालों का रफनेस भी दूर हो जाएगा, ग्रोथ जो है थोड़े और अच्छे हो जाएंगे और उसे बहुत अच्छा लगेगा। बट मेरा वो लिवॉन का यहाँ रखा हुआ था और बाजू में ये ऑनियन हेयर सीरम भी रखा था। मेरा बेटा इससे नहीं यूज करके वो लिवॉन का इस्तेमाल किया और जब वो लिवॉन का इस्तेमाल किया तो उसका फ्रेग्रेंस उसे बहुत अच्छा लगा। जैसे आप सबको पता है कि मुझे माइग्रेन है भयानक वाला, वैसे ही अंशु को भी माइग्रेन है, तो उसे भी हार्ड फ्रेग्रेंस बर्दाश्त नहीं होता है। और जहां तक फ्रेग्रेंस की बात होती है, इसका फ्रेग्रेंस बहुत हार्ड है। मुझे इसका फ्रेग्रेंस नहीं टॉलरेट होता है क्योंकि इसका फ्रेग्रेंस बहुत हार्ड है। तो अंशु बोला इसे कि मम्मा मैं इसका फ्रेग्रेंस बहुत हार्ड है, तो नॉर्मली तो मैं इसे कैरी कर लूंगा, पर जिस दिन मुझे थोड़ा बहुत सर में दर्द होता रहेगा उस दिन अगर मैं इस मतलब सीरम का इस्तेमाल किया तो मेरा माइग्रेन, मेरा हेडेक और भी बढ़ जाएगा। तो भैया बच्चे जब दूर होते हैं तो आप थोड़ा और भी ज्यादा ये हो जाते हो। मैं बोली कि बेटा इसको लेने की आवश्यकता नहीं है, तो मम्मा का हेयर सीरम लेके चला जाओ, चले जाओ। तो अंशु मेरा हेयर सीरम लेके चला गया। तो 14th से जो है मैं इसे ट्राई कर रही हूँ, यानी कि 14 जनवरी से, और आज है डे सेकेंड। अब 14 से सेकेंड आप जोड़ लो कि कितने दिन मैं इसे इस्तेमाल की हूँ। और इसको ट्राई करने के बाद मैं एक चीज पे जरूर निष्कर्ष पे पहुंची हूँ कि इसका फ्रेग्रेंस यस हार्ड है। जब मैं इसे लगाती हूँ तो दो से मतलब समझो ना, जब इसे मैं आप लगाती हूँ ना तो मैं एक मिनट के लिए मुझे थोड़ा सा फ्रेग्रेंस बहुत हार्ड लगता है, बट आफ्टर मतलब 1 मिनट के बाद है ना फ्रेग्रेंस जो है वो उड़ जाता है, आपको आपको फील नहीं होता है। तो वो 1 मिनट अगर आप टॉलरेट कर सकते हो, जैसे मैं अभी टॉलरेट कर रही हूँ, तो 1 मिनट अगर आप टॉलरेट कर सकते हो तो ये आपके बाल को बहुत 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 अच्छा बनाता है। अब देखिए मेरे बाल बहुत ज्यादा अच्छे होते चले जा रहे हैं, और जैसे जैसे जो भी चीज मैं इस्तेमाल कर रही हूँ और जिससे भी मेरे बाल अच्छे होते चले जा रहे हैं वो सब मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो उसमें ये हेयर सीरम भी है, मुझे बहुत पसंद आया है सीरियसली। बस हाँ, जो एक माइनस पॉइंट है वो आपको मैं बता दी हूँ, इसका फ्रेग्रेंस इसका थोड़ा सा हार्ड है। जहां तक इसके टेक्सचर की बात करते हो, ऑनियन का जो ये देखिए ये जो है ना ये व्हाइट कलर का, आपको कुछ इस कलर का जो है, आपको जेल देख रहे हो ना, कुछ इस तरह का वॉटरी जो है आपको मिलता है। आपको क्या करना है, जब आप शैम्पू करके आते हो उसके बाद अपने पूरे बाल में आपको लगा लेना। देखिए हेयर सीरम ऐसा है जिसको आप ड्राई हेयर के ऊपर भी लगा सकते हो,
बट अगर आप मुझसे पूछते हो कि रियल में हेयर सीरम कब लगाना चाहिए, तो जब आप शैम्पू करके आते हो और आपके बाल थोड़े गीले होते हैं, जब आप शैम्पू करके आते हो तो बाल आपके गीले होते हैं ना, अगर आप हेयर सीरम का इस्तेमाल करते हो तो ये बालों के लिए बहुत ज्यादा बेहतरीन है। जहां तक इसको लगाने की उम्र की बात है, 15 साल की अगर आपकी उम्र हो गई है तो आप 15 इयर्स से लेकर के आज के डेट में आपकी उम्र चाहे कितनी भी हो, आप इसको ट्राई कर सकते हो। ये हेयर सीरम आपको कुछ देने वाला ही है, आपसे कुछ लेने वाला नहीं है, बट हाँ इसका फ्रेग्रेंस थोड़ा सा हार्ड जरूर है। तो मुझे लगता है मैं सब कुछ बता चुकी हूँ। मेरे ईयर में दर्द होने लगा है यार, सीरियसली पहनने की आदत नहीं है ना, पहनती नहीं हूँ ना। ओके, तो मैं सोची क्या कि मैं आपको इसे बता दूं, मुझे बहुत अच्छा लगा है, एक बार आप जरूर ट्राई करें। और लिंक देने की तो आवश्यकता नहीं, मुझे लगती है कि मैं इसे ममार्थ के ऐप से परचेस की हूँ। आप जहां कहीं से भी परचेस करना चाहते हो वहां से आप कर सकते हो। आपके बालों को देगा ही, ये देखिए मेरे बाल बहुत ज्यादा शाइनी लगते हैं। और एक 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 बाल पे एक ऐसा होता है ना कि आपको अगर आप शैम्पू करके निकलते हो, कंडीशन करके निकलते हो ना, तो आपके बाल कभी कभी ऐसा लगता है कि इतने फैले फैले से आप बाल को मैनेज नहीं कर पाते हो। तो ये आपके बाल को ना एकदम मैनेज कर देता है जब आप बाल में इसे लगाते हो ना। और एक मेन चीज जो मैं आपको बताना रह गया मुझे, जब आप इसे बाल पे लगाते हो और जब आप बाल को पीछे करते हो ना, जब आप हल्का सा कोम करते हो, तो उस टाइम में ना आपको आपके बाल थोड़े से लगेंगे कि ड्राई लग रहे हैं। इस चीज को मैं फील कर रही हूँ कि आपको लगेंगे कि आपके बाल थोड़े ड्राई लग रहे हैं, बट जैसे आपका बाल सूखता है, जैसे आपके बाल एकदम से ड्राई हो जाते हैं, आप यकीन करें आपके बाल इतने आपको सॉफ्ट लगते हैं, इतने शाइनी लगते हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊं। मुझे लगता है मैं सब कुछ बता चुकी हूँ, फिर भी अगर आपको लगता है कुछ बताना रह गया हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जब मैं फ्री रहूंगी आपके कमेंट के रिप्लाई करूंगी। मिलते हो फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।